सम्मान के लिए काम क्यों नहीं करते? आखिर वो प्रबुद्ध वर्ग ही तो था जो भारतीय जनसंघ की स्थापना जब 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी और तेजी से देश का प्रबुद्ध वर्ग भारतीय जनसंघ के साथ इसीलिए जुड़ा था क्योंकि हमने हिंदी की बात की थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की। हमने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को सही मायने में भारत का अभिन्न अंग बनाने की बात की थी। हमने 35A को हटाने को कहा था। हमने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी जो कि हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो नारा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, जिसको लेकर वो बलिदान हो गए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस देश के सभी नागरिक एक जैसे हैं। हम तो कहते रहे हैं पुष्टिकरण सबका, पुष्टिकरण किसी का नहीं। आधुनिक दौर में भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ने आए, अभी सरकार नहीं बनी थी, उसी समय उन्होंने कहा था हम सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर काम करेंगे, हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं होगा, संपूर्ण भारतवासी हमारे लिए। हम इस देश के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र, दुनिया के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का के निर्माण का संकल्प लेकर हमने काम करना शुरू किया। आखिर इन्हीं मुद्दों पर तो देश का प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ आया है। लोग कहते थे, एक समय था जब लोग कहते थे कि देश के सारे इंटेलेक्चुअल, सारे प्रबुद्ध लोग भारतीय जनसंघ और फिर आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो क्यों है? क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग का मन देश की दुर्दशा पर जिन कमियों के कारण कचोटता था, प्रबुद्ध वर्ग की जो आकांक्षा थी, जो अपेक्षा थी, उन्हीं को लेकर जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू किया, इसलिए बड़ी संख्या में देश का प्रबुद्ध वर्ग भाजपा के साथ मिला। आजादी के बाद की सरकारों ने इस देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया और वो पूरा दौर 1947 से लेकर के और 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद से लेकर 2014